नेपाल दी कम्युनिस्ट पार्टी दी सरकार चीन दे इशारे ते लगातार भारत विरुद्ध काम कर रही है। नेपाल ने पहला अपने नक्शे विच भारतीय इलाके नु शामिल किया अते हुण सरहद नाल फौजां दी गिनती विच लगातार वादा कर रही है। नेपाल ने भारतीय सरहद दे नजदीक दारचूला विच ब्यास एक छांगड़ू विखे हथियारबंद पुलिस फोर्सां लई एक बैरक अते कॉम्पलैक्स की उसारी शुरू की है। नेपाल दे गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने शुक्रवार नूं इस बैरक अते कॉम्पलैक्स का नींह पत्थर रखिया। ये खेतर भारत दे उत्तराखंड दे धारचूला दे नेड़े है। नेपाली मीडिया विच आईयां खबरां अनुसार सरकार भारत दी सरहद दे नाल सुरक्षा बलों की तैनाती वधा रही है। नाल ही नेपाल ने भारत तो चीन की सरहद वल जांदी सड़क का उद्घाटन करने तो बाद ब्यास विच हथियारबंद सैनिक तैनात किए हैं। उन्होंने इत्थे एक बैरक बनाई जा रही है जिसका नींह पत्थर रखने लई गृह मंत्री हैलीकॉप्टर राही इत्थे पहुंचे। गृह मंत्री थापा दे नाल आर्म्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैलेंद्र खनाल, गृह सकत्तर महेश्वर नुकने, दारचूला तो संसद मैंबर गणेश सिंह ठगना, राजनीतिक सलाहकार सूर्या सुबेदी, सुरक्षा सलाहकार इंद्रजीत राय, नेपाल सेना दे सहायक पवन राजे खिमिरे अते हथियारबंद पुलिस दे AIG राम शरण पौधले भी सन। मुख्य जिला अधिकारी शरद कुमार पोखरैल ने कहा है कि गृह मंत्री दी टीम शुक्रवार नूं इत्थे रुक के शनिवार सवेरे काठमांडू परतेगी। तुहानू दस दिए कि हथियारबंद पुलिस फोर्स की इस इमारत की उसारी लई 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार पहला इंस्पेक्टर की कमांड हेठ इत्थे 25 सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए सन, पर हुण 160 सुरक्षा कर्मचारी DSP की अगुवाई हेठ तैनात किए जाएंगे। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल टमलिंग लकम लाली मल्लिकार्जुन जौलजीबी विच भी सरहदी चौकियां बनाने की तैयारी कर रहा है। जदों तो भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से लिपुलेख का रस्ता बनाया है अते सरहद के नाल मिलिट्री गतिविधियों विच वाधा किया है, उदों तो ही नेपाल ने अपने नक्शे विच भारतीय प्रदेश लिपुलेख कालापानी अते लिंपिया तुरा नूं अपने नक्शे विच शामिल किया है। नाल ही सरहद ते अपनी फौजी गतिविधियां भी तेजी नाल वधा दित्तियां ने। होर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए तुसी देखते रहो D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।